व्हाट्स अप एवरीबॉडी, शशांक त्रिवेदी इज हियर एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज हम करने वाले हैं मोटर व्लॉगिंग, सेटअप तैयार है, सो सी यू ऑन द रोड। सो या लेट्स गो, चलते हैं अपने स्पॉट की तरफ, शनि धाम मंदिर। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place. See, cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings, but success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. My fate, you won't understand it. All alone, that's okay. People, I can't stand them. They don't want me to change. Keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am. And I want something more. Take a chance. It could be possibly my last dance. My last dance. I don't wanna let myself down, myself. Do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. You move slow and I move fast. And that's facts. Only I can make a change. Slowly take a step today. I will never be the same. Cause that's what it takes. So guys, finally we have reached Shani Dham Mandir. So let's go inside, देखते हैं कैसा बना हुआ है। वाओ, ओह माय, ओके, तो दरवाजा वगैरह है। ओके, प्लीज इग्नोर दिस साउंड, यहाँ पर आई गेस कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है। शिव जी की मूर्ति है बैक साइड में, लग तो काफ़ी अच्छी हुई है। आगे से देखते हैं, शिवलिंग भी है। वाओ, अमेजिंग, काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। आगे से भी आई डोंट नो, यहाँ अंदर जाने का रास्ता होगा, ये है पूरा, और होगा या नहीं, ये गुफा टाइप बनाई हुई है, शेर जैसा बना हुआ है। देखते हैं, शिव जी का मंदिर है, तो अभी अंदर शिव जी बैठे हुए हैं, अंदर जाके देखते हैं क्या क्या है, गुफा है, अंदर जाने का भी रास्ता है, चलते हैं अब अंदर। नहीं आ रहे? सो या गाइस, लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं क्या है अंदर। पूरा हैंडमेड बना हुआ है, अंदर जाते ही हमको सबसे पहले गणपति जी
देखने को मिल जाते हैं जो हमारे मूषक जी के साथ में है। वाओ 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 वाओ, काफ़ी सही बनाया हुआ है। और ये पूरा स्टोन है, सी पूरा अंडरग्राउंड स्टोन बना हुआ है। और यहाँ पर हमको काली माँ शायद देखने को मिल जाती है। आई थिंक मेरे को फ्लैश ऑन करना था। वाह अच्छा, अब लाइट्स भी है यहाँ पर, काफ़ी बढ़िया है। सॉरी फॉर दिस नॉइस, बाहर थोड़ा कंस्ट्रक्शन भी चालू है मंदिर के रिलेटेड। सो यहाँ पर भी एक वानर बंदर एक है कुछ फ्रूट खाते हुए। यहाँ पर अपने सबके प्यारे हनुमान जी, यहाँ पर है शैलपुत्री माता जी, फिर ये है यहाँ पर स्नेक बना हुआ है बहुत बड़ा जो यहाँ से निकल रहा है उसके बिल से। यहाँ पर भी एक वो एनिमल बना हुआ है। यहाँ पर है ब्रह्मचारिणी माता, आप इसको जानते होंगे, कमेंट करके बताना इसका नाम क्या है और आपको ये क्या लग रहा है। सो यहाँ पर हमारे जंगल किंग, यहाँ पर है ये चंद्र घट्टा माता, ये रही। लेट्स गो। वाओ, ये सब लाइक हैंडमेड और प्रॉपर स्टोन से बना हुआ है। आई डोंट नो इन्होंने कैसे ये बनाया हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पर है कुष्मांडा माता, कुष्मांडा माता ये है। यहाँ से हमको इधर जाना है। ये है अपने तन्नोट माता जी, तन्नोट माता ये अपने जैसलमेर में, जैसलमेर साइड में जो है ना तन्नोट माता, अगर आपने आपको पता ही होगा इनकी स्टोरी। ये एक अकेला मंदिर था, लाइक पाकिस्तान और जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था ना, इंडिया पाकिस्तान का जब वॉर हो रहा था ना, तो इनके मंदिर के वहाँ पर ना लाइक हज़ारों बॉम्ब गिरे थे, हज़ारों, और एक भी नहीं फूटा, एक भी ब्लास्ट नहीं हुआ, और आसपास के जो भी दूसरे थे ना वो सब ब्लास्ट हुए। फिर ये है कात्यायनी माता, देन वाओ लाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छा है वो। ये भी है ईगल एंड लॉयन, फिर ये है कालरात्रि माता, फिर ये है महागौरी माता का मंदिर है। यहाँ पर श्री के साई बाबा जी की भी मूर्ति है। यहाँ पर ऊपर भी लाइक आई डोंट नो, ये शायद डायनासोर बनाए हैं या क्या बनाए हैं, मेरे को नहीं पता, लेकिन लाइक काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बनाया हुआ है। वाह, और ये पूरा स्टोन है, और लाइक देखने को लगता ही नहीं कि ये कुछ है, लाइक सी स्टोन है ये पूरा स्टोन है। सो ये है सिद्धिदात्री माता का मंदिर है, ये गुफा है, थोड़ा झुक जाते वरना इतना सर टकरा जाएगा। यहाँ पर है हमारे हनुमान जी की विशाल मूर्ति, और इनका नाम नहीं दिख रहा है मेरे को यहाँ पर। ओके सॉरी, और हम ये यहाँ से आई गेस। ओके, ये भी एक बहुत बड़ा अच्छा मंदिर है। यह है श्री माँ वैष्णो देवी जी का मंदिर है यहाँ पर, और यहाँ से हम बाहर निकल जाते हैं। यप, सो ये पूरा अंडरग्राउंड बना हुआ है। राइट हुड, यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे, लेकिन यहाँ से ऊपर भी और कुछ है। सो मैं आपको देखता हूँ, बताता हूँ क्या क्या है अंदर ऊपर। सो यस, यहाँ पर एक अच्छा सा ये बना हुआ है शिव जी का, यहाँ पर भी मंदिर है, शिवलिंग बने हुए सोमनाथ महादेव, फिर मल्लिकार्जुन महादेव, फिर महाकालेश्वर जी का महादेव है, ओमकारेश्वर जी का, फिर वेदनाथ महादेव, भीमा शंकर जी का है, ये भीमा शंकर जी का बना हुआ है, लाइक रियल में नहीं है ये, शायद उनकी झलक जो होती है ना वो है। रामेश्वर महादेव, ये है नागेश्वर महादेव, ये है काशी विश्वनाथ, ये है त्र्यंबकेश्वर महादेव, ये थोड़ा अंदर की साइड में है, ये है केदारनाथ महादेव,
इधर कुछ और स्टैचूज वगैरह बने हुए अपने ऋषि मुनि जो होते हैं ना, वो यहाँ से है बाहर जाने का रास्ता। ओके, ये है गोमेश्वर महादेव और यहाँ से हम बाहर निकल जाएंगे। सो कैसा लगा ये गुफा के अंदर ये सब बना हुआ है? मेरा तो एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, आई होप आपको भी ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा होगा। मैं यहाँ का मंदिर का थोड़ा बहुत कैंपस दिखा देता हूँ और मेरे लिए कुछ पिक्स विक्स अगर क्लिक करनी है तो मैं वो भी कर लेता हूँ। और अगर आप मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टा पे फॉलो करो, यहाँ पे जो भी मैं फोटो वगैरह खींचता हूँ वो मैं जल्दी ही इंस्टा पे डालूंगा। अभी मैं फिलहाल थोड़ा अनएक्टिव हूँ बिकॉज ऑफ सम वर्क, लेकिन जल्दी ही मैं अपना कंटेंट इंस्टा पे भी पोस्ट करने शुरू कर जाऊंगा। जल्दी ही मतलब 2-3 दिनों में मैं इंस्टा पर भी वापस फोटो डालना शुरू कर दूंगा। अलग ही यही है, अभी मैं फटाफट फोटो क्लिक कर देता हूँ, थंबनेल क्लिक कर देता हूँ। सो यार, कंस्ट्रक्शन वर्क की जो नॉइस है उसको छोड़ के ना, यहाँ का कैंपस बहुत ज़्यादा पीसफुल है। यहाँ पर मेरे पीछे ही पानी चालू है, फार्मिंग हो रही है। ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला वो वहाँ से पीछे से वो वहाँ से पानी आ रहा है। यस है नाना, कैसा लगा मंदिर? हाँ नाना, कैसा लगा बोलन? अच्छा है क्या? नाना थोड़ा कैमरा शायद पर्सन है, इसीलिए वो कैमरे पे नहीं आएंगे। ऊपर से लिया था, ये है कैंपस। हाँ उधर ऊपर, हाँ ये है यहाँ का कैंपस मंदिर का। यहाँ पर हवन होता है, ये जो बीच में जो राउंड है यहाँ पर। तो यहाँ बच्चों के खेलने के लिए काफ़ी सारे झूले वगैरह भी बने हुए हैं, गुफा भी बनी हुई है। सुसनी धाम से निकलने के बाद घर की तरफ लौटते टाइम नाना जी शो मी दिस प्लेस, ये उससे भी थोड़ा पहले आता है, लेफ्ट साइड में ही बैक। अगर घर की तरफ वापस जाते टाइम लेफ्ट साइड में आएगा और अगर शनि धाम जाओगे तो वहाँ पर आपको राइट साइड में आएगा। और बिल्कुल ही अलग मंदिर है। इंडिया में हर एक मंदिर का ना एक अलग ही पहचान होती है, जस्ट लुक एट इट, क्या छोटे छोटे मिरर्स के और क्या शाइन। क्या निकलता इधर पहले? सोना। हाँ सोना निकलता था। पहला लगा हुआ था गवर्नमेंट का। जा खुदाई करने ऊपर से गिरने लगा पत्थर अत्थर, हाँ बंद कर दिया। अच्छा, और लेट मी शो यू वो जगह। और नाना बोल रहे हैं कि वहाँ आगे वो जो बाउंड्री देखते हो ना, वहाँ पर एक छोटा सा तालाब टाइप एक बना हुआ था, वहाँ पर पहले जो भी सोना निकलता ना उसको धोते थे। सो अब अपन यहाँ पे चलते हैं, इधर ही कहीं है, बता तो रहे कि ये सीढ़ी से जाने का है। सो यार लेट्स गो फटाफट। वो रहा व्यू, काफी मस्त है। ये जो प्लेस है ना काफी मस्त है, ये जो प्लेस है ना, ये आप शनि धाम जाओगे ना उससे थोड़ा पहले ही आती है। मैं पहले वहाँ शनि धाम चला गया, फिर नाना ने बोला कि रास्ते में इधर भी आ जाए। इधर पहले गवर्नमेंट के टाइम पर ना सोना निकलता था, बट जैसे जैसे डीप गए ना तो पानी का लेवल भी ऊपर आया। और मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, एक सेकेंड, मेरे जस्ट सामने मैं पहुँच गया हूँ। वो है वहाँ पर, अपन अंदर तो नहीं जाएंगे बट जस्ट लुक एट द एरिया। अब मेरे को रीज़न पता चल रहा है कि गवर्नमेंट ने क्यों किया, बिकॉज स्टार्टिंग में जो ब्रिटिश एरा में जो निकलना था ना वो निकल गया, उसके बाद में गवर्नमेंट को ना यहाँ से प्रॉफिट कम होने लगा। जो भी वर्कर्स थे उनको भी पैसा देना, बिकॉज गोल्ड थोड़ा बहुत ही निकलता था और निकालने की जो भी प्रोसेस होती ना उसमें पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होने लगा। और ऊपर से आप देख ही सकते हो, नीचे अगर और ज़्यादा खोदते तो ये ऊपर से नीचे गिरने लग रहा था और पानी का लेवल भी आई गैस बहुत ज़्यादा हो गया। अब ये मिट्टी है, अगर एक पत्थर भी खसका ये पूरा अंदर भर जाएगा, तो अंदर काम करने वाले होते वो उनकी लाइफ को बहुत रिस्क था, इसलिए बंद कर दिया। बट और वहाँ मेरे पीछे उधर ना वो जो भी गोल्ड निकलता, तो गोल्ड वी ऑल नो कि मिट्टी और वो सब साथ में ही निकलता है, तो मिट्टी पानी और गोल्ड उनको अलग कैसे करना, जो भी स्टोन्स वगैरह होते हैं उनको अलग कैसे करना, तो उसके लिए यहाँ पर एक पॉन्ड बना हुआ है। ये यहाँ पर बीच में ये हल्का हल्का पानी दिख रहा है ना, ये है और एक उधर और आगे एक था, तो वो पहले आगे वाला करते, ये तो बाद में बनाए, आगे वाला वहाँ पर उस गोल्ड को निकाल। बट कुछ भी कहो यार,
कुछ भी कहो यार, व्यू यहाँ से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। टॉप पर भी कुछ है, लेकिन अभी मैं टॉप पर जाने नहीं वाला, बिकॉज़ यहाँ का रास्ता मेरे को नहीं पता। शायद मैं लास्ट टाइम यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ जा रही है, लेकिन बहुत सारे ये सब कांटों के पेड़ है, तो मैं उसको ट्राई भी नहीं करने वाला हूँ। स्पैरोज बढ़िया चिड़िया, लाइक आवाज़ सुनी, एकदम सही सीन है। वो है कांबेश्वर जी का पहाड़ है शायद, और यहाँ पर नहीं दिख रहे, वो शायद और एक नेक्स्ट पहाड़ जो माउंटेन आता है ना उधर है। लेकिन व्यू काफ़ी ज़्यादा डोप व्यू है, डोप DOPE, डोप इंटू 100, मस्त व्यू है यहाँ पर। और एकदम छोटी लोकेशन में पूरा ये पूरा एकदम फॉरेस्ट है। सो या दैट्स इट फॉर टुडे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। See you soon in the next video. Till then, peace, take care, bye-bye.